नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस बात को कहा जाता है कि जो आपको अन्य देवी देवताओं की स्तुति या फिर पूजा अर्चना करके प्राप्त नहीं होता है, वो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और स्तुति करने से प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ देवों के भी देव अर्थात महादेव कहे जाते हैं। इसी कारण से देवता लोग भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तब आपके जीवन में इसके चमत्कारिक परिणाम होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राशि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में राशि अनुसार कार्य करता है, तब ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राशि अनुसार कर्क राशि के लोगों के लिए भगवान शिव के मंत्र के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग कर्क राशि के जातक हैं और इस बात को चाहते हैं कि आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, तब इसके लिए आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम चंद्र मौलेश्वराय नमः, ओम चंद्र मौलेश्वराय नमः। दोस्तों, अगर आप लोग नियमित तौर पर इस मंत्र का जाप करते हैं, तब ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप लोग प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे, तब आप लोग देखेंगे कि आपका मन अब पूरी तरह से शांत होने लगा है, आपके क्रोध में कमी आने लगी है, आपकी वासना धीरे धीरे कम होने लगी है। दोस्तों, भगवान का यह मंत्र बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना जाता है। इसका प्रतिदिन जाप करने से आपको आपके जीवन में कई तरह की सफलता प्राप्त होती है।